उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक चर्चित मामला सामने आया, जिसमें एक ही सामुदायिक शौचालय के एक ही शौचालय में दो सीट बैठा दिया गया। मामला चर्चे में आने के बाद बस्ती प्रशासन ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर दो सचिवों को सस्पेंड कर दिया। हमारे साथ इसी मामले में ज़्यादा बातचीत करने के लिए CDO राजेश कुमार प्रजापति जी मौजूद हैं। सर, क्या कार्रवाई की गई उन दो? देखिए, खुदराब राग में गौरा दुंदा जो हमारी ग्राम पंचायत थी, वहाँ पर यद्यपि हम लोगों ने पूरे जितने हमारे पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय बने हैं, थर्ड पार्टी का इंस्पेक्शन हम लोग करा भी रहे हैं, और उसमें जो कमियाँ या जो भी उसमें दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, उसी के तहत इस ग्राम पंचायत में पंचायत भवन सामुदायिक शौचालय में जो कि मानक कर्मचार नहीं बने थे, उसमें कार्रवाई की गई है। प्रथम दृष्टया उसमें दोष पाते हुए दो सचिवों को सस्पेंड किया गया है, और पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान जो है उनको कारण बताओ नोटिस पंचायती राज एक्ट के तहत दिया गया है, और इसके साथ वहाँ पर MI JE भी थे, इनको किसी बात का दायित्व दिया गया था काम कराने के लिए, तो उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की। तो ये थे बस्ती CDO श्री राजेश कुमार प्रजापति जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, दो सेक्रेटरियों को सस्पेंड कर दिया गया है और उस समय के प्रधान को भी रिकवरी के लिए नोटिस भेजी गई है। सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव के साथ बस्ती से इमरान अली, इंडिया न्यूज़।